अभी हम जा रहे हैं गुरुग्राम। एक्चुअली क्या हुआ, एक जो कॉर्नर में बनाना चाह रही थी ग्रीन कॉर्नर, वहाँ के लिए ना टाइल्स जो पसंद की थी पहले, क्या हुआ वो शॉर्टेज में चल रही थी, वो मिली नहीं, और अब ना थोड़ी सी पसंद भी कम आ रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरा डिज़ाइन हम लोगों ने सोचा है। कल शाम के टाइम ना बहुत ख़राब मौसम हो गया था, आंधी तूफान, बहुत तेज़ आंधी आई थी और बाद में अच्छी खासी बारिश भी आ गई थी, और अब जैसे जैसे आज शाम होने को आई है, अब ढल रही है शाम, तो सेम वही मौसम हो गया है। जा रहे हैं सेक्टर 14 गुड़गांव मार्केट ब्रिक रेड स्टोन टाइल लेने के लिए, और ये टाइल जो है थोड़ी एक्सक्लूसिव है। हमने काफ़ी वेंडर्स से पूछा, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स से पूछा, उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव था, उनके पास थी नहीं ये टाइल। मुझे तो लगता है ये शायद ना इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इतनी जगह हमने कम से कम 10 से ज्यादा जगह कॉल किया और सबकी जगह था कि नहीं अभी है, नहीं खत्म हो रखी है। मुझे यही लग रहा है कि शायद इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, या ये भी हो सकता है ज्यादा लोगों को ये समझ नहीं आती। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, मैं बहुत जगह मैंने देखा है पिंटरेस्ट में, जैसे मैंने देखा ना तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा यूज हो रखा है इसका, बहुत सारी डेकोरेशंस की जगह पे, जो एरिया मतलब हाईलाइट करना है हमें पर्टिकुलरली अगर किसी एरिया को, तो वहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रखा है इन टाइल्स का। तो लगभग एक घंटे की रिसर्च, 10 से 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कॉल करने के बाद, अब हमें सेक्टर 14 में मिला है एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास ये टाइल शायद मिल जाएगी, तो आगे का अपडेट हम आगे देखें। और इससे पहले जो हम लोगों ने टाइल्स चूज की थी ना उस ग्रीन कॉर्नर के लिए, वो थी बांस वाली, जो बांस का डिजाइन होता है ना, वो वाली थी ओरिएंट वेल की। क्या ओरिएंट वेल की थी, पर वो भी ब्रांड वो था, ओरिएंट वेल मिल नहीं रही, वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो हाँ शॉर्टेज चल रही है उसकी, उसका तो मेरे को ये था कि क्योंकि मुझे वहाँ पे एक ग्रीन कॉर्नर क्रिएट करना है, मतलब जेन कॉर्नर टाइप मेरे को कुछ क्रिएट करना है, तो उसके लिए इस तरीके की बहुत पीसफुल सी लगती है इस तरीके की जो बांस वाली टाइल्स होती है ना, देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। थोड़ा फ्लोरल में ऐसा लेना जो थोड़ा सिंपलिस्टिक भी हो। तो सिंपल तो हो गए ना शेर वाले भी, ब्लैकआउट वाले हो चाहिए थोड़े से। ये वो वही 1400 वाले रेंज फिर क्या है हमारे को, एक और चीज भी है ना, हमारे को साउंड प्रूफ भी चाहिए, तो वो साउंड है, YouTube स्टूडियो है, हां उसमें साउंड प्रूफ चाहिए, तो साउंड का क्या, तो वो स्टोन पे तो आवाज गूंजती ही को कम हो जाएगी। ये हाईवे चला गया ना दोस्तों, ये हाईवे चला गया, ये कम्युनिटी सेंटर उसका है ना, तो हां मैं समझ गया, तू भी आएगा इसके कम्युनिटी सेंटर के आते में आया था वो, ये थोड़ी है, अरे वो ये जो रहा सुखराली में, यहाँ पेट्रोल खत्म हुआ है, यहाँ किसकी शादी में आए थे, अरे वही पापा स्टूडेंट था, इस साथ में पढ़ा था सेंटर को, ये सुमित सुखराली, हाँ जी इसी साथ में पढ़ा था ना, अरे ये तो रहा, हाँ मैं समझ गया, हाँ हाँ याद है, वेलकम टू सुखराली, ये मेरे दोस्त के साथ है, ये कम्युनिटी सेंटर अभी नहीं है आगे है, अरे यार ये मतलब ये बोर्ड खत्म होते साथ तो है, थोड़ा अंदर था जहाँ बस खड़ी है ना हमारा, और ये सब बिल्कुल नया है, आज ही हुआ है क्या शुरू, बट बस यहाँ पे एक दिक्कत है, पानी भर जाता है यहाँ, ये जितने भी है सब पेज है ना यहाँ। Thank you.
वाली हमें टाइल्स मिल गई हैं अपनी पसंद की। कितना दूर से आए इन्हें ढूंढते ढूंढते। रसगुल्ले इतने पसंद आए हैं रविंदर जी को, अब एक एक प्लेट और ऑर्डर किए है। थोड़ा जल्दी करना, 15 मिनट्स लगेंगे अभी। डिनर करके निकल गए हैं हम ओम स्वीट सेक्टर 14 से गुरुग्राम में, और अब बारिश भी शुरू हो गई है, रिमझिम रिमझिम बिल्कुल हल्की हल्की बूंदे आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। चलो मैथ के एग्जाम बेशक है पर ना महक की एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हम लोग। पिज्जा खा लिया अभी इतना नहीं, दो नहीं खाए भी नहीं गए मुझसे, कितनी खाए मात्रा में खाने थे, दो खा लिए मेरे भी स्पीड देखो इसकी। नहीं दो नहीं खाए इसने, छोड़ दिया उसमें से। ये है महक की फेवरेट मिठाई। अगर इतनी स्पीड होती ना, अगर मेरी इतनी स्पीड होती, मैं भोग लगा लिया आज में इसके जैसी होती। यहाँ पे मंदिर सेटअप का प्लान है इस तरीके से इस एरिया में, और दोनों मने एक है यहाँ पर डायरेक्ट लाके मंदिर रख दें, और एक है कि यहाँ पर पूरा ग्लास का काम करा के, लेकर्ड ग्लास या जो नॉर्मल ग्लास होता है, मिरर जो होता है उसमें कटवर्क वगैरह डिज़ाइनिंग होती है और सिंबल्स बने होते हैं रिलीजियस, तो उस तरीके का कुछ यहाँ पर लगा के, और फिर यहाँ पर कुछ वुडन का काम करा के, और फिर उस पर अपना मंदिर रखें। और बाकी बहुत स्पेस निकल गया है, और टाइल्स लगने के बाद ना जो जगह है वो बहुत बड़ी भी लग रही है देखने में। पहले मुमजी को हम एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रहे थे, और अब बहुत स्पेस निकल गया है इस तरीके से। ये टाइल है जो कल लेके आए।